जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्किप किए बिना सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी का आना ही है। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे लाख जतन कर लो, इसमें किसी की सुनवाई नहीं होगी। यही जीवन का सत्य है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अधिक ताकतवर है और लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी डर के मारे उसके पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति धनवान है और वो थोड़ी सी रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा। दोस्तों, चाहे कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ताकतवर हो या गुणवान हो, सबके सारे के सारे गुण एवं हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा आएगा तब। इसलिए ये जानकारी, ये मोटिवेशनल स्टोरी, ये ज्ञानवर्धक कहानी सभी को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आखिर अपनी ही औलाद बुढ़ापे में हमारा साथ क्यों छोड़कर चली जाती है। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, इसके लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुननी चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा भारी बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर, उस वृक्ष पर हजारों प्रकार के सुंदर एवं भांति भांति के पक्षी किलोड़ करते रहते थे, या यूं कहे तो सभी पक्षियों का वो बरगद का वृक्ष जीवन आश्रय था। कुछ पक्षियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर सभी पक्षी अपार आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इस तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से अत्यंत मोह हो गया था। एक समय की बात है कि जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के सभी वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे तो वट वृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगे तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बुढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध को भी साथ चलने को कहा, परंतु गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं और आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूं। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्रिय मित्रों, वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या स्वयं विदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। ऐसी औलाद के लिए ऐसी संतान को धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। जरा सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम गंभीर बीमार पड़ जाते थे तब तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने कभी किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ा था?
जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने तुम्हें छोड़कर वो चीज अकेले खाई थी क्या? और आज वे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। प्रिय मित्रों, इस वक्त आपके माता पिता की छवि जो आपको अपने सामने दिखाई दे रही है, वही छवि अंत में आपकी होने वाली है। जो आपकी माता पिता की दशा है, वही दशा निश्चित रूप से आपकी होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय मित्रों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खा ली और कुछ दिन बाद तो वो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया था, सूख गया था और उसे दीमक काटने लगी। परंतु गिद्ध फिर भी उस वृक्ष को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर वापस उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और जो पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर कहीं और चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब चलकर उनके पास चले और समझाकर अपने साथ ले आए। ये सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्होंने गिद्ध से अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, हे गिद्ध काका, आप कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं, वही जीवन श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, वही देश श्रेष्ठ है जहाँ कुटुंब का पालन हो सके। ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक रात दिन इसे खोखला करती जा रही है, किसी दिन हवा के तेज झोंके से ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? बुद्धिमान लोग कहते हैं, शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनका कोई समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी कुशल वृक्ष पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, सभी पक्षियों के बहुत समझाने पर भी बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, हे भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर मुझे इसी वृक्ष के सहारे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं, सेवक, भक्त और शरणागत जो ये कहता है कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो उन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, सुख दुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे जन्मदाता ऐसे माता पिता को छोड़ता है वो महापाप का भागीदारी होता है। ऐसी संतान को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। और दोस्तों, गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए, यहाँ से गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी उदास और निराश हो जाते हैं और लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो ये कहने लगे कि भाइयों, इस बूढ़े गिद्ध की बुद्धि भी सटिया गई है, इसलिए इसे हमारा समझौता अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी गिद्ध को फिर से समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर से मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए और सीधे ही इंद्रदेव के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जहां रहते हैं
वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा, पूरा जंगल पानी से रहित है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं, जंगल के सभी पक्षी जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले गए। पर दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी वृक्ष पर एक बुड्ढा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले गए लेकिन वो गिद्ध उस बरगद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है और वे कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने के लिए गए थे, वो कह रहा है कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हे भगवान आप स्वयं चलकर उन्हें समझाइए, शायद वो आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। बोले, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र आपको समझाने के लिए आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है, इसकी डालियाँ सूख कर गिर गई है, इसमें छाया के लिए एक पत्ता भी नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन ये वृक्ष आप पर गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब असहाय था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूं, इसी पर रहकर सारे सुख उठाए और इसी वृक्ष पर रहकर मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरा सारा जीवन इसी वृक्ष की छाया में बीता है और आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। अक्सर लोग यही करते हैं और यही संसार की सच्चाई है कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने हितेशियों का, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों में से नहीं हूं, मैं मरते दम तक अपने आखिरी श्वास तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। दोस्तों, गिद्ध का अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, कहने लगे, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये फिर से हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए, मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत जीवन शेष बचा है, मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी अपार खुशी होगी। दोस्तों, गिद्ध की बात सुनकर इंद्रदेव ने वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया, पूरे जंगल में वर्षा कर दी, पूरे जंगल के पेड़ पौधे फिर से हरे भरे होकर लहराने लगे, चारों ओर हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वे फिर से उसी जंगल में पुनः लौट आए, सारे पक्षी उसी वृक्ष पर आकर शोर मचाने लगे, चहचहाने लगे और सभी पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका की सेवा करने लगे, गिद्ध के लिए भोजन पानी सब वही लाकर देने लगे। दोस्तों, इस प्रकार गिद्ध का जीवन सुख पूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर जिसने आपको जन्म दिया है उस माँ का, और जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, काबिल बनाया है, एक अच्छे जीवन का निर्माण किया उस पिता का, वो आपके जीवन दाता है, आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है, उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो वो जीवन किसी काम का नहीं। दोस्तों, वीडियो सभी के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।